क्या भारत के पास भी होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। भारत और रूस के बीच 5 S-400 मिसाइल खरीदने को लेकर हुआ समझौता सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत को 5 S-400 मिसाइल सही समय पर मिल जाएगी। भारत ने इसके लिए रूस को $85 करोड़ की राशि का भुगतान किया। ये पूरी डील करीब $5 अरब की है। इसके लिए भारत ने सितंबर में रूस को इस डील के 15% पैसे दे चुकी है। हालांकि इस डील में अमेरिका की नजर लगातार बनी हुई है। वो इसके लिए लगातार भारत और रूस के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया वह इस डील को करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और वो इस डील को करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील के संवेदनशीलता को देखते हुए सिस्टम विवरण में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी चेतावनी को देखते हुए भारत और रूस ने इस पेमेंट रुपए और रूबल में करने का तरीका विकसित किया है। कुछ पेमेंट यूरो में भी किया गया। इस डील से जुड़े सूत्र के अनुसार इस पूरे डिफेंस सिस्टम को 2025 तक की डिलीवरी होने की संभावना है, लेकिन नई पेमेंट के बाद पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को 16 से 18 महीनों में मिल जाएगा। रूस के अधिकारियों के मुताबिक 2020 तक पहला मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। इसके बाद अगले 5 साल में इसकी डिलीवरी पूरी होगी। भारत के लिए क्यों जरूरी है यह S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम? S-400 मिसाइल सिस्टम से भारत को रक्षा कवच मिल जाएगा। ये किसी भी मिसाइल हमले को ध्वस्त कर सकता है। इस सिस्टम से भारत पर होने वाले परमाणु हमलों को भी जवाब दिया जा सकेगा। अर्थात ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की न्यूक्लियर सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के कवच की तरह काम करेगा। यह तक कि यह सिस्टम पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे विमानों को भी ट्रैक कर सकेगा। इसलिए जरूरी है भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम। अमेरिका क्यों बना रहा है लगातार दबाव? अमेरिका भारत पर इस डील को तोड़ने का लगातार दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, वह लगातार भारत से कह रहा है कि वह रूस से किसी भी तरह के सैन्य हथियार न खरीदे। भारत अभी 60% सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है। अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता व्यक्त किया है कि S-400 अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरणों और भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले हवाई प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर सकता है। अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पिम्पियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुए मीटिंग में इसका मुद्दा उठा था। तब भारत ने अपनी संप्रभुता की बात कही थी। तब जयशंकर ने कहा था, कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप रूस से हथियार नहीं खरीद सकते। भारतीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि S-400 सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट के मापदंड को पूरा करता है। इसके अलावा भारत मॉस्को के साथ लंबे समय से कायम रक्षा संबंधों को ऐसे नहीं तोड़ सकता। मिसाइल खरीदने को लेकर तुर्की पर भी अमेरिका ने डाला था दबाव। भारत के अलावा तुर्की भी रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है। बुधवार 13 नवंबर 2019 को डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब से इस बारे में बात की। इस मीटिंग में ट्रंप ने कहा, S-400 जैसे हथियार अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इससे पहले ट्रंप तैयब को धमकी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल खरीदा तो अमेरिका तुर्की को प्रतिबंध लगा देगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी कि भारत भी अब S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल खरीद रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और भारत के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में यह भी कह दिया है कि वो किसी भी हालत में इस मिसाइल को खरीदेगा और वो किसी की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।